हे गाइस, एसके मोटोवर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस ब्लॉग में आपको बताएंगे कि अगर अपाची ये बाबू परेशान करते रहता है जब भी वीडियो बनाते हैं तब तक परेशान करते रहता है। देखेंगे करना बाबू, जा जा देखो, जा, जा, पापा पास जा, जा। तो आते हैं टॉपिक पे कि मैंने अपाची आरटीआर 204 भी क्यों चूज किया। तो अपाची 204 भी चूज करने का बहुत से कारण है, तो जो अभी आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे और बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या रीज़न था चूज करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला कारण से, तो वो आता है इसका इंजन। तो इंजन काफ़ी इसका मतलब जो रिफाइनमेंट है पहले PS4 के मुकाबले काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है। इसमें आपको 20.5 to 54 BHP का पावर मिल जाता है और 17.25 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। तो 200 सीसी सेगमेंट की सबसे काफ़ी सफिशिएंट है और काफ़ी अच्छे अच्छे बाइक को कम्पीट कर देता है और एक्सेलरेशन में काफ़ी इसका बेहतरीन है। तो आते हैं दूसरे पे, तो दूसरे रीजन है इसके बाइक का लुक्स। लुक्स भी काफ़ी इसका मस्कुलर है, काफ़ी स्पोर्टियर है। अपाची का ज़्यादातर स्पोर्टी और मस्कुलर पे ज़्यादा ध्यान रहता है। फ्रंट से देख सकते हैं तो फ्रंट से कुछ ऐसा आपको दिखता है। यहाँ सामने आपको LED गियर मिल जाता है जो आपको एस शेप में अपोजिट डी शेप मिल जाता है। और इधर आप टैंक को देखते हैं तो टैंक भी काफ़ी मस्कुलर है और पिलियन का सीटिंग कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है इसका। और तीसरा कारण की बात करें तो तीसरा कारण है इसमें आपको डुअल चैनल ABS का ऑप्शन रहता, तो इसी से तो मैंने लिया अपाची। तो इसमें डुअल चैनल ABS मिल जाता है आपको और साथ में इसको आपको एडजस्टेबल लीवर मिल जाता है। यहाँ से आप एडजस्ट करते हैं, 3-स्टेप एडजस्टेबल लीवर है। तो ये शायद मेरे हिसाब से पहली जो बाइक है 200 सेगमेंट में जो आपको एडजस्टेबल लीवर का फीचर देती है। तो यहाँ आपको रियर में भी ABS का जो चैनल है आपको देखने को मिल जाता है। बाकी लुक पीछे से देखते हैं, पीछे लुक भी काफ़ी बेहतरीन है इसका और एग्जॉस्ट भी काफ़ी ठीक ठाक है इसका। चौथे कारण की बात करें तो ये 206 सेकंड बाइक अकेला ऐसा बाइक है जो आपको राइडिंग मोड्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो एक ये भी कारण था मेरे लेने का कि इसमें आपको रेन, अर्बन और स्पोर्ट्स तीन चीज़ का मोड मिल जाता है। तो जिसमें रेन अर्बन में आपको 2 BHP का अप्रोक्स डाउन मिल जाता है, स्पोर्ट में आपको फुल पावर मिलता है। फिफ्थ रीजन की बात करें तो यह हुआ है स्लीपर क्लच। तो स्लीपर क्लच इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। तो स्लीपर क्लच से आपको एक ये फायदा होता है कि अगर आप एग्रेसिवली अगर डाउनशिफ्ट करते हैं तो आपका पीछे जो रियर व्हील होता है लॉक नहीं होता है, जो स्किड नहीं करता है। और सिक्स रीजन जो लास्ट है तो वो इसमें आपको 16 का सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। अगर आप 164 भी से कंपेयर करते हैं तो इसमें नॉर्मल आपको टेलीस्कोपिक जो मिलता है तो इसमें, लेकिन आपको 16 का सस्पेंशन मिलता है जो आपको 2-स्टेप जो एडजस्टेबल आपको सस्पेंशन मिल जाता है। एक यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि एक S जो हो गया सॉफ्टर साइड हो गया, H हो गया हार्डर साइड। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आपको इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस यही थे 6 ऐसे कारण जो मैंने अपाची 204 भी लेने का जो मैंने डिसीजन बनाया था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तो इसके लिए स्टे ट्यून्ड।